आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, केंद्र 8 नवंबर से सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति फिर से शुरू करेगा। यानी कि दोस्तों, पहले बायोमेट्रिक लगती थी लेकिन 20 में बंद हो गई थी, लेकिन फिर से शुरू करने की तैयारी 8 नवंबर से बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं इसमें। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए आप हमारे यहाँ पर। केंद्र सरकार का फैसला, 8 नवंबर सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये जो बायोमेट्रिक है, पहले तो दर्ज होती थी लेकिन बीच में इसको छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर से 8 नवंबर से इसको दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ये तो बात कही जा रही है कि 8 नवंबर से सभी केंद्र के जो भी कर्मचारी हैं उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। हालांकि पहले लगती थी लेकिन अब नहीं लग रही थी बीच में, लेकिन 8 नवंबर से फिर से इसको शुरू करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि दोस्तों, केंद्र सरकार के अंदर में जितने भी विभाग आते हैं सभी विभागों में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जब आप आएंगे किसी भी क्षेत्र के, अगर आप कर्मचारी हैं, गवर्नमेंटेड हैं और केंद्र सरकार के अंतर्गत वह ऑफिस आता है, तो आपको ऑफिस पे जो फिंगर मशीन लगी होगी उस पे अपना फिंगर लगाना होगा, तभी आपकी उपस्थिति दर्ज मानी जाएगी। ये 8 नवंबर से फिर से शुरू होने जा रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।